ऐसे खीर पकाएंगे, ऐसे खीर पकाएंगे, ऐसे खीर पकाएंगे, कटोरी से खाएंगे, कटोरी से खाएंगे, कटोरी से खाएंगे, कटोरी से खाएंगे। इस कविता का नाम है सोजा उल्लू। इसके चित्र बनाए हैं भूरीबाई ने। ये है उल्लू। उल्लू सोने की कोशिश कर रहा था। गिलहरियां दाना खाने लगी, कुटर 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 कुटर। फिर रात हुई और चांद निकला। कहीं कोई आवाज नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल शांत था। ये एक लाइब्रेरी जैसा है, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। ये एक क्लब है, चकमक क्लब, इसका नाम है चकमक क्लब। 4:30 बजे आते हैं, फिर कुछ कोई कहानी सुनाता है, कोई सा कोई कोई कविता सुनाता है, कोई कोई गतिविधि करवाता है, जिसको जो आता है वो करवा देते हैं। बच्चे किताब ले जाते हैं तो एक लिस्ट बना रखी है, उसमें नाम डाल लेते हैं, ले जाने की तारीख और लाने की तारीख, नाम और साइन और किताब का नाम और वो क्या है, मतलब किस उसमें किस क्या चीज़ है, कविता है, कहानी है, चित्र है। तीन एक साल पहले हमने अब्दुल्लागंज के इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, रीडिंग कल्चर और रीडिंग हैबिट कम्युनिटी में और बच्चों में। हमने एक छोटा सा सर्वे 10-12 गांव में किया, पर हमने देखा कि सही में असल में पढ़ने का माहौल नहीं है। समुदाय में यदि माहौल नहीं है तो बच्चों में पढ़ने का माहौल बनना थोड़ा और मुश्किल काम है। तो ओवरऑल यदि हम पढ़ने का कल्चर बनाना चाहते हैं तो समुदाय को इस काम में जोड़ना ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो लाइब्रेरी एंड रीडिंग इनिशिएटिव लारी नाम का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 2022 होती है। हाँ, तो उस ग्रुप में अपन क्या करने वाले हैं, खिलौने बनाएंगे और अपन कोशिश करेंगे कि अपने पास जो वेस्टेड सामग्री होती है ना, कभी कभी हम चाय के जो कप होते हैं पीने के बाद फेंक देते हैं ना, तो उन्हीं कप का कैसे यूज करके हम उनको खिलौने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे कागज़ों से बहुत कम चीज़ों में हम मज़ेदार चीज़ें जिससे इंटरेस्ट भी बने और एक अलग सा माहौल बने ना, उसके लिए अपन कुछ खिलौने तैयार करेंगे और कुछ खिलौने ऐसे हों। तो ये जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, तो एक तो चकमक क्लब सेटअप करना गाँव में जाके, हर 10 चकमक क्लब के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग सेंटर जिसको हम लोडल सेंटर कहते हैं, तो जहाँ पे कि इस 10 गांवों का मोबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पे इस 10 गांवों से अच्छे से वहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी बनी हो, ऐसे गांव में हमने एक नोडल सेंटर बनाया था। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। एक क्लब ने जो एक कदम उठाया है वो पूरे विकासखंड के लिए और पूरे जिले के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। 105 जगह जो लाइब्रेरी का संचालन होगा और उनमें जो भिन्न भिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में पूरा संसार है। हम अगर मूलतः अगर देखें तो हम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हैं और सिर्फ आस्था है, लेकिन इन पुस्तकों में आपके जीवन का सार है, आपका भविष्य है, और आप कल एक बेहतर नागरिक अगर बनना चाहते हैं तो वो सिर्फ शिक्षा से संभव हो सकता है। तो जब हम वाइब्रेंट या सक्रिय लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इसमें दरअसल किताबों के इर्द गिर्द तो हम काम कर ही रहे होते हैं। दो और प्रमुख गतिविधियां हैं जिनको हमने इस पूरे कार्यक्रम के में शामिल किया है, जिनमें से एक थिएटर के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और दूसरा है कि हम संगीत के साथ भी शिक्षा को जोड़ के देख रहे हैं। और क्या आता है बरसात के मौसम में, और क्या क्या निकलता है? मेंढक। मेंढक बोले टर टर टर। नमस्कार, आज हम एक नाटक प्ले करने वाले हैं, उसका नाम है चल मेरे मटके टमक टू। हमने उसको 3-4 दिन में रेडी किया है। तो लारी टीम में 2 लेवल्स पे हम लोग थिएटर को देख सकते हैं। एक जो बच्चों के साथ काम करने वाले फैसिलिटेटर्स हैं
उनके साथ वर्कशॉप्स कर और थिएटर के जो गतिविधियाँ जो टूल्स हैं वो उनके साथ शेयर करके, और दूसरा चकमक क्लब में बच्चे आते हैं उनके साथ थिएटर के थ्रू एंगेज करके। तुझे खाती मुझे छोड़ दो, मैं मेरी बेटी के पास जा रही हूँ। सबूत बताओ। अरे मैं सही गली से आऊंगी बेटा। अम्मा आए हो, जब से बहुत परेशान से लग रहे हो आप। क्या करूं बेटा, मुझे चार पांच जानकार मिल गए थे। अच्छा ये बात है, रुको। इसमें बैठ जाओ और इसमें बैठ कर बोलना चल मेरे मेरे जैसे बुढ़िया को आते देखा है। तो थिएटर साथ काम करने का कल्चर, एक दूसरे को सुनने का, एक चीज़ के अलग अलग इंटरप्रिटेशन होने का, अलग अलग नज़रिए से किसी एक चीज़ को देखने की नज़र, ये एबिलिटी मुझे लगता है कि थिएटर पैदा करता है। लॉन्ग टर्म इसका कोशिश वही होगी कि हम समुदाय में बच्चों के बीच में पढ़ने का एक कल्चर विकसित कर पाएँ, बच्चों तक किताबें पहुंचा पाएँ, किताबों तक बच्चों को पहुंचा पाएँ। तो एक तरह का पूरा एक समुदाय का एक माहौल यदि हम अगले कुछ सालों में बना पाए तो हमको लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि होगी एकलव्य की भी, और न केवल एकलव्य की बल्कि मुझे लग रहा है कि ये समाज की भी एक बड़ी उपलब्धि होगी यदि वो इस तरह का एक कल्चर बना पाते हैं।